नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के नूह में इस महीने के शुरुआत में हुई सांप्रदायिक झड़पों के मामले में गिरफ्तार किए गए कथित गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को बुधवार को एक अदालत ने जमानत दे दी है। बजरंगी को 17 अगस्त को नूह की अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। यह फरीदाबाद जिले में स्थित नीम का जेल में बंद है। नूह पुलिस ने बताया कि बुधवार को बजरंगी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार की अदालत ने उसे जमानत दे दी। एबीपी सी वोटर सर्वे ने राजस्थान में बीजेपी को बढ़त दिखाई है। हालांकि सीएम पद की पसंद में सर्वे के मुताबिक कुल मिलाकर 35% जवाब देने वाले लोगों का मानना है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पसंद हैं। इसके बाद 25% के साथ वसुंधरा राजे जनता की पसंद हैं। वहीं 19% के साथ सचिन पायलट और 9% के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत और 5% के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा सर्वे के नतीजे से ये भी पता चलता है कि चुनाव में उतरने की भाजपा की रणनीति आने वाले चुनावों में पार्टी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकती है। सर्वे के मुताबिक 61.7% मतदाताओं ने महसूस किया कि पार्टी को एक सीएम चेहरा पेश करना चाहिए, जबकि इनमें से केवल 27% से ज़्यादा का मानना था कि भाजपा का सीएम चेहरा नहीं लाने का फैसला ठीक है। कुल मिलाकर अगर बीजेपी वसुंधरा राजे को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाती है तो पासा पलट सकता है, क्योंकि बाकी बीजेपी नेताओं की अपेक्षा राजे को सर्वे में लोग अधिक पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम पद का उम्मीदवार भी लोग चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक सीएम पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है और अगर वो ऐसा ही करती है तो बीजेपी को इसका नुकसान होने की बड़ी आशंका है और कांग्रेस को फायदा होगा। बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के द्वारा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आरोपों की जांच कराई जा रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि आरोप सही हैं, वो ठीक बोल रहे हैं, हम इनकी जांच करवा रहे हैं। मुझे मालूम चला है कि उनके वक्त बहुत बड़ा करप्शन हुआ जिसे दबा दिया गया, हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है उन लोगों ने। बता दें, कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अर्जुन राम मेघवाल उनके आरोपों को खारिज कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मुद्दा पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया, आज जुडिशरी में इतना भयंकर करप्शन हो रहा है, क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर। उन्होंने कहा कि कई वकील तो खुद ही फैसला लिख कर आते हैं, उन्होंने ऐसा सुना है कि जो वकील लिख कर ले जाते हैं वही जजमेंट आता है। उन्होंने कहा कि जुडिशरी के अंदर ये क्या हो रहा है, चाहे लोअर जुडिशरी हो या अपर, हालात चिंताजनक हैं, देशवासियों को सोचना चाहिए। वहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ कराने की चर्चा पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा, अगर साथ कराते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारी पूरी तैयारी है, विधानसभा की भी और लोकसभा की भी, हम लोग मुकाबला करेंगे उनका, ये सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। दमोह में मंगलवार देर रात पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह पर यह मामला एक ट्वीट करने और उसके भ्रामक पाए जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कायम कराया है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने 27 अगस्त को ट्विटर पर यह दावा किया था कि दमोह के कुंडलपुर में स्थित जैन मंदिर परिसर में कथित तौर पर बजरंग दल के कुछ असामाजिक कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी और वहां एक शिवपिंडी रख दिया था। दिग्विजय सिंह के अनुसार ये घटना 26 अगस्त की थी। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य के पुलिस महानिदेशक को भी टैग किया था। हालांकि ये पोस्ट उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। दमोह के SP सुनील तिवारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर कोतवाली पुलिस ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी के द्वारा चुनाव पहले कराने के लिए हेलीकॉप्टर्स को पहले बुक कराने पर शिवसेना ने कहा है कि देश में सभी निजी विमानों हेलीकॉप्टर्स बुक कर लें तो हमें आश्चर्य कैसा। फिर भाजपा के सांसद डी अरविंद ने कहा ही है कि EVM का कोई भी बटन दबाओ, वोट भाजपा के पक्ष में ही जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि सभी हेलीकॉप्टर्स के साथ लाखों EVM भी भाजपा ने बुक कर रखे हैं, उसे लेकर भी उनका अलग खर्च और हिसाब होगा ही। यानी आप कितना भी कुछ भी बुक किए, फिर भी इस दौरान मतदाता भ्रष्ट EVM की छाती पर पैर रखकर तानाशाही की पराजय किए बिना नहीं रहेगी। शिवसेना ने कहा कि मौजूदा लोकसभा की अवधि 2024 में समाप्त होते समय मोदी शाह साल 2023 में चुनाव क्यों कराएंगे। इसका जवाब सरल है,
सरकारी ज्योतिषाचार्यों ने वैसी सलाह दी है। अब ये ज्योतिषी हैं कि तांत्रिक मांत्रिक ये उन्हें ही पता है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक के लिए मुंबई पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिनेता अमिताभ बच्चन से मुलाकात की। ममता बनर्जी के मुताबिक उन्होंने अमिताभ बच्चन को राखी बांधी। उन्होंने कहा कि वो अमिताभ बच्चन को भारत रत्न मानती हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार के सवाल पर उन्होंने कहा, पीएम का चेहरा इंडिया होगा। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती के सवाल पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दाम 800 रुपये बढ़ाए गए लेकिन कम सिर्फ 200 रुपये किए गए। शरद पवार ने कहा कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक में 28 राजनीतिक दलों के 63 प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्षी गठबंधन राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए एक मजबूत विकल्प प्रदान करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक गठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि एनसीपी को लेकर कोई भ्रम नहीं है। पिछले महीने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुए अपने भतीजे अजीत पवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोग उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो हमें छोड़कर चले गए हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कहा, ये सरकार ही गैस पर चल रही है। इंडिया की दो बैठकें हुई, गैस की कीमतें कम कर दी गईं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, गैस सिलेंडर फ्री तक में दे सकते हैं। एमबीए नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ा दावा किया। शरद पवार ने कहा कि मुझे जानकारी है कि बीएसपी नेता मायावती बीजेपी के संपर्क में है। मायावती ने जो फैसला लिया उसको लेकर लोगों को सोचना होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ, इसको लेकर कोई भ्रम नहीं है। एक अल्टरनेटिव फोरम देश में तैयार हो रहा है। देश के सामने परिवर्तन की बात आए तो एक गठबंधन तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े विपक्षी दलों के गठबंधन का एक साझा उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना है। गठबंधन के पीएम चेहरे पर उन्होंने कहा कि हमारे पास पीएम उम्मीदवारों के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन भाजपा के पास एक को छोड़कर क्या विकल्प है। इस सवाल पर कि भारत का संयोजक कौन होगा, उद्धव ठाकरे ने पूछा कि एनडीए का संयोजक कौन है। उद्धव ने कहा कि हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में होने वाली बैठक के एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी पेश कर दी है। पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, मुझसे पूछेंगे तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का नाम आगे रखूंगी। उन्होंने लगातार जनता के मुद्दे उठाए हैं, लगातार जनता के बीच में गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पार्टी प्रवक्ता ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकार के जरिए देश के सामने एक बेहतरीन मॉडल पेश किया है। हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बाद में सफाई भी पेश की है। अतिथि ने कहा कि यह मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी का निजी राय हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पीएम की दौड़ में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। संजय सिंह ने भी यही कहा। हालांकि लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपने आप को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात करवा रहे हैं, जिससे विपक्षी गठबंधन पर दबाव बनाया जा सके। बता दें, इससे पहले भी केजरीवाल विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में लड़ने का दावा कर चुके हैं। कुल मिलाकर सियासत का खेल जारी है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का नाम भी पीएम उम्मीदवार के लिए उछाला जाता रहा है, जबकि वो भी खुद इसको खारिज करते रहे हैं। एक तरफ तो इंडिया की बैठक होने वाली है, दूसरी ओर विपक्ष के नेता लगातार अपने अपने नेता को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की बात कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा है कि मैं चाहती हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीएम पद के उम्मीदवार बने। उनमें योग्यता है कि वो इतने बड़े प्रदेश के सीएम रहे। अगर वो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होते हैं तो गठबंधन और देश के विकास के लिए बेहतर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को बेंगलुरु में महिलाओं से जुड़ी गृहलक्ष्मी योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपये सरकार की ओर से जमा करवाए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली की सरकार उद्योगपति के लिए काम करती है। हमारी सोच है कि सरकार को गरीब कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बड़े से बड़ा पेड़ होता है, पेड़ जड़ के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। अगर जड़ मजबूत होती है तो कितनी भी बड़ी आंधी आए तो पेड़ टूटता नहीं है, गिरता नहीं है। राहुल बोले, कोई इमारत बनती है तो नींव के बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती।
जितनी मजबूत नीम होगी उतनी ही मजबूत इमारत होती है। जैसे पेड़ की जड़ के बिना खड़ा नहीं हो सकता, वैसे कर्नाटक महिलाओं के बिना खड़ा नहीं हो सकता। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन क्षेत्र को शामिल करने वाले चीन के नए नक्शे पर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और पीएम मोदी चीन के अतिक्रमण पर जो कहते रहते हैं वो झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। राहुल ने कहा कि मैं वर्षों से कह रहा हूं कि पीएम ने जो कहा कि लद्दाख में एक इंच जमीन नहीं गई वो झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने अतिक्रमण किया है। ये नक्शे का मुद्दा बहुत गंभीर है, उन्होंने हमारी जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ तो कहना चाहिए। कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन रद्द कर दिया है। विशेषाधिकार समिति ने यह फैसला तब लिया है जब बुधवार को समिति के सामने कांग्रेस सांसद पेश हुए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद समिति ने उनका निलंबन रद्द करने का सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। बता दें, मणिपुर हिंसा पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कथित अनियंत्रित व्यवहार के लिए कांग्रेस नेता को 11 अगस्त को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए नीरव शब्द का इस्तेमाल किया था। गुजरात में सूरत पुलिस की अपराध शाखा ने अपनी मीडिया रिलीज में कहा कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जिसकी पहचान मितुल त्रिवेदी के रूप में हुई है, जिसने इसरो में वैज्ञानिक होने का झूठा दावा किया और उसके लिए जाली दस्तावेज भी बनाए। पुलिस का कहना है कि उसने अपराध कबूल कर लिया है। सूरत के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंगल ने कहा, अपराध शाखा ने इसरो से संपर्क किया और इसरो से पहली प्रतिक्रिया में ही कहा गया कि पत्र जाली है और उनके द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे हमें कुछ दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देंगे। कल क्राइम ब्रांच ने मितुल त्रिवेदी को अपने चौक बाजार दफ्तर में बुलाया और विस्तृत पूछताछ की। आज ये साबित हो गया है और उसने कबूल भी कर लिया है कि पत्र फर्जी है। उन्होंने कहा कि उसने पत्र इसलिए तैयार किया क्योंकि वो ट्यूशन पर ही पढ़ाता है और उसे लगा कि अगर वो छात्रों के माता पिता को ऐसा पत्र दिखाएगा तो अधिक छात्र आएंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने 2024 चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति सोशल मीडिया पर बताई है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, बसपा आगामी लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। बीते कुछ वक्त से ये सवाल पूछा जा रहा है कि मायावती आने वाले आम चुनावों में किस गठबंधन के साथ जाएंगी। मायावती कहती हैं, NDA और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्नाशेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं। इनकी नीतियों के विरुद्ध BSP अनवरत संघर्षरत है, इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।